आगे से मतायो ऐसी झूठी एफआईआर लिखाने बेवकूफ जाके अपनी माँ को बना जो लाड़ में बावली है थारे चल चौकी है यो नथु पान वाले की दुकान है बिल्कुल यहाँ पेपर पढ़ रहे हैं और मैडम हम आ गए ऑटो से आए हैं बर्फ गिर गई न्यूयॉर्क में मैडम मैडम करना क्या है पूरे रतलाम को पता है अबे यार देखो ऐसा है मन ने पहले एक बात बताओ थारा जो डैडी है हैं ऐसी कौन सी चीज है जिससे थारे डैडी को चिढ़ है चीज 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 नहीं हाँ हाँ हमारे एक आदमी है हमारे पड़ोसी शर्मा जी उनसे बहुत चिढ़ते हैं वो अरे आदमी से ना आदमी से ना कौन सी हैबिट अबे हैबिट पूछ रही हूँ मैं हैबिट आदत कोई क्वालिटी जिससे चिढ़ते हो वो याद आ गया मेरे पिताजी को नाचने गाने वाले लोगों से बहुत नफरत है नाचने गाने वाले लोगों को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इतना कि अगर हमारे घर में कोई आदमी रेडियो भी चालू कर देना तो पीट डालते हैं उसको वो बर्फ गिर गई न्यूयॉर्क में दैट इज गुड टू हियर भाई अंकल जी को नाच गाना संगीत पसंद आया है नाइस मैडम मैं कुछ नहीं जानती इनके डैडी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है आप तो मेरी सुनिए मुझे उनका टीचर बना बिल्कुल पसंद नहीं है पूरे रतलाम को पता है एक मिनट यार यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि मैडम को खुद को उनके खुद के दिमाग में उनका खुद का एक पर्सनल आइडिया आया है इसलिए बीच में मत बोलो मुंह का फाटक मत खोलो वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की सुलगती रातों का 16 सिंगार मेरा मतलब है गुस्से की आग में तपती दोधारी तलवार मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार वेल मॉम Told him what is the hemming is the planning yaar yeah this one suno planning ke hai wo suno sabko is planning mein shamil hona hai aur sir ji ki bhi madad lagegi suno ye papa What? Ashia, om ha, Ashia, Ashia, om ha, Ashia, om. Angelina, don't spoil your mood. Keep dancing. Forget them. Keep dancing. Oh, sir, मैं पानी पिया हूँ दुपट्टा संभाल के अरे अभी कासे क्लास खत्म नहीं हुई है चुप रहो और तुम दोनों यहां से याद रखो कि ये सासे सार्वजनिक जगह है यानी कि रासे रोड यहां ऐसे नाच नाच गा नहीं सकते तुम हिंदी की किताब निकालो यस सर Listen to me, you old man. You're trying my patience. मेरा नाम है एंजेलिना मेरा डांस देख के लोगों को आ जाता है पसीना मेरे सामने फेल है कटरीना करीना मेरी मासी का नाम है लीना है ना रॉनी You're absolutely right, Angelina, baby. You're absolutely right. ये यहाँ की बहुत ही famous dancer है Angelina, जो कहाँ भी, कैसे भी, किसी भी तरह कहीं भी dance शुरू कर सकती है. देखो इसे, क्या कला है without music dance, yeah.
अरे ऐसे कैसे कासिक कला है, है? और नाचना है तो अपने कासिक क्लब में जाके नाचो, यहाँ पे नाच नाच नहीं सकती। रुको अभी मैं पास से पुलिस को बुलाता हूँ। नो पुलिस, पास से पुलिस बैड आइडिया। आप लोग जाइए, हम नहीं नाचेगा। रास्ता साफ है, रास्ता साफ। अच्छा सर, अब मैं पानी पी रहा हूँ। क्लास से बाहर हो, मुझे पकड़ो। पानी भी नहीं पीने देते। गाड़ी खराब होगी, नो प्रॉब्लम। धक्का मारते धक्का मारते। चुप रहो तुम। आओ 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 आओ। बना के सुरमा किसी हुस्न जादी की आंखों में हमको था यूं ही बसाया गया। बना के सुरमा किसी हुस्न जादी की आंखों में हमको था यूं ही बसाया गया। नहीं है, नहीं था, नहीं है कोई कसूर हमारा, मगर फिर भी हमको यहाँ क्यों है लाया गया। हाँ क्यों है लाया गया, क्यों झकास? हाँ प्रकाश, हाँ। मैं तो अम्मी हूँ उस हुस्न जादी की, मैं तो अम्मी हूँ उस हुस्न जादी की, जिसने 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 मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की। क्यों प्रकाश? हाँ जकास। Who are these people? अरे मैडम, ये नौटंकी वाले मैडम, हुस्न जादी का स्वयंवर नाम की नौटंकी में काम करते हैं। तो आज हम छुट्टी लेके इनकी नौटंकी देखेंगे यहाँ गद्दे वद्दे बिछा के। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर के बोली है। मैडम मैं इनको पकड़ के लाया क्योंकि मैडम चिटपुटियागंज में बिना लाइसेंस के नौटंकी दिखा रहे थे ये लोग। या मॉम, आई थिंक शी इज एक्टिंग लवर इज द एंड ही इज लड़की की मदर इज द। बिना लाइसेंस बिना परमिशन के नौटंकी कर रहे थे। चलो भाई अंदर डालो इन्हें। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, ये बताती हूँ मैं असली सूरत है क्या वो दिखाती हूँ मैं, असली सूरत है क्या वो दिखाती हूँ मैं। हम गरीब करके नौटंकी जीते हैं, हम गरीब करके नौटंकी जीते हैं, गरीबी की शरबत का घूट पीते, गरीबी की शरबत का घूट पीते हैं। क्यों प्रकाश? हाँ झकास। मैडम मैडम, हमको जरा माफ कर दीजिए, अब हमारा भी इंसाफ कर दीजिए। मैडम हमको जरा माफ कर दीजिए, अब हमारा भी इंसाफ कर दीजिए। हमको नहीं था, हमको नहीं था इस बात का इल्म कभी, अब आगे से परमिशन लेंगे सभी, अब आगे से परमिशन लेंगे सभी, अब आगे से परमिशन लेंगे सभी। होए क्यों झकास? हाँ प्रकाश। मैडम जी, हम तीनों बड़ी मुश्किल से नौटंकी करके अपना पेट पालते हैं। ऐसे में अगर आप हमें अंदर कर देंगी तो हम गरीब कलाकारों का क्या होगा मैडम जी? थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ लो प्लीज। है? और केस सॉल्व कर लूं मैं, फिर है? फिर देख लूंगी तुम्हारा क्या करना है। अबे चलिए अंदर बैठिए, अबे चल। चलो चलो जी, तो आइए। बिना की कट के अंदर हो गए, अब तो बिना की कट के अंदर हो गए। हां है वो दिवाली डिलाइट यार, पटाखा और फुलझड़ी और वो काजू कतरी। वेल मॉम, काजू और फुलझड़ी कम इज द, आई लाइक अमिताभ बच्चन की हम इज द। मैडम मैडम, जल्दी बताइए हमारा क्या हुआ है? मेरे लिए एक शादी का नहीं बल्कि दो दो शादियों के रिश्ते आ रहे हैं, पूरे रतलाम को पता है। तो तू दो शादियां कर ले, 15-15 दिन है जी। मैडम नहीं नहीं, आप ये क्या एडवाइस दे रही हैं फुलझड़ी को? अगर मेरी फुलझड़ी की शादी कहीं और हो गई ना, फिर मैं तो पक्का मर जाऊंगा मैडम। आपको पता है बर्फ गिर गई न्यूयॉर्क में। फुलझड़ी को समझाइए आप मैडम कि थोड़ा टाइम लगेगा। अरे मैडम ने कुछ ना कुछ तो आगे का सोचा होगा ना फुलझड़ी। आई थिंक दिस लुक सूट्स मी इंटेलेक्चुअल। अच्छा मैडम, यार तुम इतना घबराते क्यों हो दोनों के दोनों? बिल्कुल एकदम पैनिकी हो जाता ही है।
ऐसा है, प्लान का फर्स्ट स्टेप सक्सेस हो चुका है और तुम्हारा जो डैडी है उसको विश्वास हो गया मैं क्लब डांसर हूँ, हैं? बस प्लान का दूसरा स्टेप बाकी है। तू बोलेगा कुछ या सिर्फ समोसे पेलने के पैसे ले रहा है सरकार से? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना आगे का, आओ प्लान बताता हूँ। कहाँ है वो? तुम्हें भी बताता हूँ ना प्लान, आओ ना। वाव 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 वाव। नाइस जोड़ी, करूँ रिश्ता विस्ता कुछ? फुलझड़ी और उसके काजू के एक ही मंडप में तुम दोनों, खूब गाते बजाते बीतेगी जिंदगी। ये 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 आइए आइए। अरे मैडम, आज से आपने हाँ से हमको बा से बुलाया? हिंदी की किताब निकालो। अच्छे से इसको पहचानी है लौंडे को? बेटा हाथ हटाओ। अरे ये तो हाँ से हमारा बा से बेटा कहाँ से काजू है? हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर, हाँ मैडम, ये हमारा बेटा ही है। हाँ वही काजू जो अपनी जिंदगी की किशमिश सुसाइड के अखरोट के साथ मिलाकर स्वर्ग का बादाम खाने जा रहा था। सरल हिंदी में बोल। मेरे कहने का मतलब है कि आपका ये बेटा सुसाइड करने जा रहा था, अपनी जान देने जा रहा था, हमने बचा लिया इसे। काजू ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? तूने आत्महत्या करने की कोशिश की? क्यों 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 क्यों? दुपट्टा संभाल के। हाँ सर एक सवाल, सर क्या मैं गीता से फ्रेंडशिप कर लूँ सर दुपट्टा संभाल के? ये 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 नहीं, उससे मैं फ्रेंडशिप करने वाला हूँ। मतलब माँ से मित्रता। हाँ बेटा, ऐसी कहाँ से कौन सी बात हो गई कि तुम जा से अपनी जान देने लगे? वेल, टूट गया है इसका दिल इज़दा, इस बार मेरे घर का बहुत आया है बिजली का बिल इज़दा। मैं बताऊं अंकल जी, ऐसा है वो छोरी थी ना जिससे वो प्रेम करता था, जो लाया था ये तुम्हारे घर, जिसको हैं, जिसे तुमने चढ़ा दिया था डाइनिंग टेबल पे, उसे पनिस कर दिया था, उसकी वजह से वो रूठ गई, उसने इसे डंप कर दिया है, यानी डिच कर दिया, इसे छोड़ दिया, उसी के गम में मरने जा रहा था, है ना? सही है ना? ए, बताओ यार बताओ, वरना देखो एक बार हमारी मैडम अपने पे आ गई ना तो ऐसी सुताई करेंगी तुम्हारी कि अपनी खुद की जान लेने लायक नहीं रहोगे तुम। एक मिनट भैया, काजू बता दे इससे पहले कि ऐसी नौ बताए। बेटा काजू मेरे लाल, यूं बता मेरे काजू, क्यों करना चाहता है तू जिंदगी को बाजू? हाँ दुपट्टा संभाल के। हाँ देखो बेटा, किसी माँ से महा, पा से पुरुष ने कहा है कि टा से ट्रेन, बा से बस और ला से लड़की, इन तीनों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि एक जा से जाती है तो दूसरी आ से आती है। मेरा खुद का अनुभव है। तुम हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर, और ये अनुभव अब पिताजी मेरा भी हो गया है, क्योंकि दूसरी आ गई है। yes! बर्फ गिर गई न्यूयॉर्क में। अरे काजू मेरा बेटा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, बस एक बार क्लास की छुट्टी की घंटी बज गई ना टंटन तो मैं मिठाई बांटूंगी। हाँ ठीक रहेगा ना सर? हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर, अरे यार तू सही है ना, बता दे यार अपने पेरेंट्स को, बता दे लड़की के बारे में, करवाएंगे शादी। अरे यार लौंडे की जान से ज्यादा थोड़ी हो बे किसी की जिद, बता। हाँ बेटा, हम तुम्हारी शादी उसी ला से लड़की से का से करवा देंगे। हिंदी की किताब निकाल। अच्छा सर, सच देखिए पिताजी, अभी आपने मैडम के सामने सब कुछ बोला है, बाद में आप मुकर मत जाना, आपने कहा कि आप मेरी शादी करवाएंगे उस लड़की के साथ में, बर्फ गिर गई न्यूयॉर्क में। नहीं नहीं बेटा, बस तुम उस लड़की का ना से नाम तो बताओ। हिंदी की किताब निकाल। अच्छा सर, अरे घर ले जाओ यार, तुम मिलवा छोरी से, चल छोरी से मिलवा, तुम फोटो वोटो देखो, करो जरा शादी करवा, चलो बढ़िया काम बहुत है अब, चलो। सर एक सवाल सर, बाहर निकलो क्लास से। अरे मैडम कहाँ से कहाँ आ से आप,
हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर। अरे क्यों हल्ला काट रखा है? ओ खुशी का हल्ला है यो। क्या बात है अंकल, मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी और आप यूं ही आ गए खा लिया, मतलब मिठाई तो बनती है। नहीं नहीं मैडम, बात ये है कि माँ से मेरा बा से बेटा जिस लड़की से सास से शादी करना चाहता है वो एक कासे क्लब की डासे डांसर है। अब मैडम आप बताइए कि ऐसे कैसे मैं अपने बेटे की सास से शादी क्लब की डांसर से करवा दूं? हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर। ओहो अंकल जी, आपको कैसे मालूम कि वो एक क्लब डांसर है? आपका डांस देखने क्लब गए थे क्या? देखिए दासे दादाजी, चासे चुप रहिए। एक तो मेरे बड़े भाई की उम्र के हो, ऊपर से मुझे आसे अंकल बोल रहे हो, हैं? बेंच पे खड़ा करके माँ से मुर्गा बना दूंगा। हैं 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 कुछ नहीं, खड़े हो जाओ। बैठ नीचे, ज्यादा ही स्टूडेंट हो रहा है। देखिए मैडम, मुझे वो लड़की एक आसे आवारा छीसे छिछोरे लड़के के साथ ना से नाचती मिली थी। तुम हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर। मैम सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस वक्त मैं सर के साथ थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम दुपट्टा संभाल के। अरे एक मिनट यार, वो कौन है यार, क्लब डांसर क्या है, कहाँ रहे, नाम वाम क्या है उसका? मैडम आसे एंजेलिना नाम है उसका। हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर। एंजेलिना क्लब डांसर यार, अरे यार वो तो हमारे चाचा की बेटी हो रही। ओ बहुत बढ़िया छोरी है, मैं गारंटी ले रही हूँ उसकी, नाना कुछ ना सुनूंगी गलत उसके बारे में, उससे करवा दो लौंडे की शादी एकदम आंख बंद करके। अरे शी इज नाइस गर्ल यार। अरे क्लब में डांस वांस करना उसका शौक है, टाइम पास है, शादी के बाद छोड़ देगी। ला से लेकिन माँ से मैडम। अरे ला से लेकिन ना गा से गारंटी मैं ले रही हूँ, वरना सोच लो तुम्हारा जो है ना लौंडा काजू से कतली हो जाएगा। वैसे ही गया था जान देने सुसाइड, फिर जवान बेटे को रो लेना बैठ के, खूब चूजी हो रहे हैं बिल्कुल ये नहीं वो। मतलब देख लो तुम्हारा बेटा चला गया तो एकदम अकेले रह जाओगे। अरे मैडम गारंटी ले रही है, फिर क्या टेंशन है? Well, मत करो इतना सोच विचार, शादी का मंडप करो तैयार। सर एक बात कहूँ, एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सुन लीजिए। ये सब लोग ठीक कह रहे हैं सर, सर मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर मेरे काजू ने टैं कर लिया ना तो उसी दिन मैं भी टैं हो जाऊंगी दुनिया से। हाँ कसम खा के कह रही हूँ, दुपट्टा संभाल के। ठीक है हिंदी की किताब निकालो। अच्छा सर। मैं कह रही हूँ ना अंकल जी गारंटी मारी है, तुम तो बस शादी की तैयारी करो, चलो निकलो चलो जल्दी जल्दी शादी। ठीक है मैडम, आप इसे इतना कह रही हैं तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। यस सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि ना। बाहर निकलो क्लास से। वेरी गुड। अरे सुन गुलगुले, अपना कोई नकली पंडित जरा पकड़ और नकली शादी जो करवाए। लेकिन मैडम लड़की के नकली माँ बाप भी तो लगेंगे। मैडम इस बार मेरे दिमाग में आपका एक नया आइडिया कुल बुला रहा है। मैडम मैडम लड़की के माँ बाप के लिए क्यों ना हम ये नौटंकी वालों को इस्तेमाल करें, मतलब ये पहले से जो लड़की बना हुआ है इसे लड़की की माँ बना देंगे, इस लाल बाल वाले को लड़की का बाप बना देंगे, और ये जो ढोलक लेकर आया है इसे लड़की का चाचा। गुड, पहना दो इसको इसकी ब्रिग वापस। ये आएगी चंद्रमुखी यानी एंजेलिना की बारात।